इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि सपोज आपके पास बुक, आपके पास कोई भी एक ये बॉडी है, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इमेजिन करें लाइंस क्रॉस हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो लाइंस ज़्यादा, अगर लो है तो लाइंस कम बनेंगी। ठीक हो गया। मान लें इसमें लाइंस क्रॉस कर रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इमेजिनरी लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगी, तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी तो उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर ई कम होगा तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, ई कम होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम फ्लक्स कम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपके पास कम था तो लाइंस बड़ी कम थी इस रूम में। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर मेरी तो लाइंस ही कम है तो मेरा फ्लक्स कम आएगा इसका? मैंने कहा हाँ यार कम आएगा। उसने दिमाग लगाया, वो कहता है काम करता हूँ मैं ये कॉपी छोटी की बजाय बहुत बड़ी ले लेता हूँ, तो मैंने पूरी शीट बिछा दी तो लाइंस तो कम थी रूम के अंदर थी पर एरिया बड़ा कर दिया। अब एरिया बड़ा करने से उसमें लाइंस ज़्यादा एंटर कर गई, तो जितना बड़ा एरिया होगा लाइंस उतनी ज़्यादा उसमें एंटर भी करेंगी। तो यानी कि सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करेगा वो क्या है? बॉडी का एरिया। तो पहली चीज़ क्या है? ई। दूसरी चीज़ क्या है? एरिया। ठीक हो गया। तीसरा, एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी लाइंस तो बहुत है मेरे पास, एरिया भी बहुत है मेरे पास, तो मेरा तो फ्लक्स टॉप का बनेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्स आएगा। मैंने कहा अच्छा ये ले, बॉडी को ऐसे रख दे। अब प्रॉब्लम क्या है? लाइंस ऐसे जा रही हैं, एरिया उसका ऐसे है, और डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। एक भी लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं हुई तो इसका फ्लक्स क्या आ गया? जीरो। चाहे जितनी मर्जी लाइंस हैं, चाहे जितना मर्जी एरिया है, फिर भी फ्लक्स जीरो। तो यानी कि बॉडी की ओरिएंटेशन क्या है, कैसे पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी मैटर करती है फ्लक्स के अंदर। तो तीन चीज़ें मैटर करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैटर करती है, दूसरा इसमें एरिया मैटर करता है, और तीसरा इसमें उनके बीच में ओरिएंटेशन मैटर करती है। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब एरिया, एरिया की सुन लो, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर में एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर कहाँ होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आप कहेंगे परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये भी होता है, जो मर्जी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर होगा परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास ये बॉडी ऐसी है तो एरिया वेक्टर याद रखना इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो इसके अंदर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इमेजिन करें ये एक बॉडी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में पड़ी हुई है, इसके अंदर ये बॉडी टेढ़ी ऐसी पड़ी हुई है, तो एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर। तो दिस इज स्मॉल एरिया डीएस आपने जो लिया, और एरिया वेक्टर डीएस सेक्टर यहां पे लिया, ई वेक्टर ये रहा, और एंगल इनके बीच में मान लो थीटा है, 90 डिग्री नहीं है कोई बात नहीं। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल फाई, स्मॉल फ्लक्स को डी फाई और टोटल फ्लक्स को फाई। तो इसके अंदर जो फ्लक्स की कैलकुलेशन है स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि एरिया स्मॉल है फ्लक्स भी स्मॉल आएगा, वो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पे डिपेंडेंट है। अब ई भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको फ्लक्स देता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है, फ्लक्स स्केलर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर एक और भी रीज़न है डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि ये ई वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप खुद सोचें कि अगर मैं इस ई वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लूं तो वो क्या आएगा? ई कॉस थीटा। और मेरे को नंबर ऑफ लाइन जो लेनी है वो एरिया वेक्टर के साथ लेनी है, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो अभी तो डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, तो यहां पर क्या आएगा? परपेंडिकुलर। तो समझ में आ रहा है ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट क्यों लिया? तो नहीं तो सीधा याद कर लो कि जो स्मॉल फ्लक्स है इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इन्हें अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा? ई डीएस कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। तो स्मॉल फ्लक्स इसके इक्वल आ गया। अगर आप इस बॉडी का टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं
तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप दोनों साइड्स इंटीग्रेशन की का साइन लगाएंगे। खास बात यह है कि जो मैंने इंटीग्रेशन लगाई वो इंटीग्रेशन के साथ सर्कल बनाई, सर्कल दोनों तरफ, इसका नाम है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। एरिया वाइज इंटीग्रेशन क्लोज्ड होती है। मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है, आपने एक स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, आपने एलिमेंट ले लिया डीएस, ये डीएस कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं ऐसे स्मॉल डीएस 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 इकट्ठा करूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं कि डीएस की इंटीग्रेशन कर दो। अब डीएस की इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है कि जैसे एक्स डीएक्स की एक्स स्क्वायर बाय टू होगी, ऐसा नहीं चलता। डीएस की इंटीग्रेशन के आगे सर्कल लगता है, इट्स अ क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा बोल देना इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr2। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का की लेंथ एल और रेडियस आर है, आपने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट डीएस है। अगर मैं सारे डीएस इसके कर्व के ऊपर मिलाना शुरू कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को ऐसे लिखेंगे, क्लोज्ड, क्योंकि बॉडी क्लोज कर दी, और आंसर क्या आएगा, 2πr। तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, बस जो भी एरिया बनेगा वही आपने पुट कर देना है, राइट। तो इसी तरीके से ये आपके पास इंटीग्रेशन आपने की, ई कॉस थीटा आपके पास बाहर आ गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब फ्लक्स अगर आपने किसी बॉडी का कैलकुलेट करना है, अब डिपेंड करेगा उसकी शेप क्या है, जो आपने एरिया लिया जिसमें से लाइंस क्रॉस कर रही है उसकी शेप क्या है। स्फीयर हुआ तो 4πr2, सिलेंडर हुआ 2πr l, जो भी शेप होगी हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्लक्स निकालने का तरीका यही रहेगा। अब अगर एंगल्स की बात करते हैं तो जैसे ये एरिया है, एरिया वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर है। ई वेक्टर कैसे है, राइट है। तो ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, जीरो, यहां जीरो है। इसके अंदर ई वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल इनके बीच में क्या है, थीटा। इसके अंदर ई वेक्टर राइट है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल इनके बीच में क्या है, 90। क्लियर है। तो फ्लक्स इसमें क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस 90। तो इसमें फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि एंगल 90, कॉस 90 इज जीरो। ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम।